सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहां पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस ना दे. And I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. आप इस वक्त देख रहे हैं कि दो ताकतवर ममालिक भारत और कनाडा एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में चले गए हैं. वहाँ एक स्टैंड ऑफ हो चुका है. एक ऐसे वक्त में जब भारत का बरतानिया और कनाडा से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, और कभी वो भी दिन थे जब 74 में भारत के एटमी धमाकों के लिए फ्यूल भी कनाडा ने दिया था, और अब कहाँ ये दिन आ गए हैं कि दोनों एक दूसरे पर कत्ल के और दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जाम लगाने लगे हैं. साथियों, दुनिया में एक पावरफुल अलाइंस है जिसे फाइव आईज कहते हैं. ये पांच इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इंग्लिश बोलने वाले ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की पांच खुफिया एजेंसीज का इत्तेहाद है. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में बनाया गया था, लेकिन इसे मौजूदा शक्ल 1950s में किसी वक्त दी गई. इस अलाइंस का मकसद ये था कि पांचों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के ज़्यादातर मफादात तो मुश्तरका हैं, उनके इंटरेस्ट सेम हैं, तो क्यों ना ये इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करें, खुसूसन सिग्नल्स इंटेलिजेंस एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे. मतलब अगर इन पांचों में से किसी एक के पास भी कोई फ़ोन कॉल, कोई ऐसी खुफिया मीटिंग की इतला, कोई पैगाम या कोई सोशल मीडिया इतला है जिसे बाकी चार के साथ शेयर करने से मदद हो सकती है, तो वो इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स के साथ शेयर कर ली जाए. दोस्तों, इस अलायंस की बाकायदगी से मीटिंग्स होती हैं, और इन मीटिंग्स में इंटेलिजेंस शेयरिंग और अपडेट्स मेन इशू होता है. फाइव आइज अलायंस के मुताबिक ये पांचों कंट्रीज़ एक दूसरे की जासूसी ना करने और एक दूसरे के मुल्क में खुफिया ऑपरेशंस ना करने के पाबंद हैं. हाँ, मुश्तरका ऑपरेशंस ये करते रहते हैं. अब दोस्तों, चूंकि ये मुश्किल किस्म का अलायंस है, तकरीबन 70 साल से इसके बावजूद चल रहा है, तो इसके प्रोटोकॉल्स और मैकेनिज्म बहुत एडवांस हो चुके हैं. इतना बड़ा इंटेलिजेंस अलायंस दुनिया में इस वक्त और कोई भी नहीं, तो इसका फ़ायदा इन पांचों मुल्कों को होता है. इसकी अहमियत बताने का मकसद यह है कि 9 और 10 सितंबर को जब इंडिया में दुनिया के 20 अमीर तरीन ममालिक का G20 इजलास होने वाला था, तो यही फाइव आइज पसे पर्दा कुछ और भी तैयारियां कर रहे थे. फाइव आइज एक कत्ल की टिप पर काम कर रहे थे. ये कत्ल, ये मर्डर 3 माह पहले 18 जून को कनाडा में अमेरिकन बॉर्डर से महज 12-13 मील अंदर गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर हुआ था. कत्ल होने वाले 45 साल कैनेडियन शहरी का नाम हरदीप सिंह नज्जार था, जो मुकामी गुरुद्वारे यानी सिखों की इबादत का गुरु नानक गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट भी थे. जिस दिन उन्हें कत्ल किया गया दोस्तों, ये फादर्स डे था, और वो शाम को अपने बच्चों के साथ डिनर करने जा रहे थे. बच्चों ने फादर्स डे पर अपने वालिद के लिए अपने फादर के लिए एक जीन्स की पेंट तोहफे में खरीद रखी थी. शाम में गुरुद्वारे की मसरूफियात से फारिग होकर हरदीप सिंह ने अपने बेटे को फ़ोन पर बताया कि वो बस घर आने वाले हैं, आप लोग तैयार रहें, फिर खाने वगैरह पे चलेंगे. लेकिन जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकले, तो दो तनमंद नकाब पोश डेल डोल वाले कमांडोज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. इससे पहले कि हरदीप सिंह अपने ट्रक में बैठकर इसे स्टार्ट करते और वहां से जाते, दोनों नकाब पोश उन तक पहुंच गए. गुरुद्वारे में कुछ लोगों ने चंद लम्हों में गोलियों की आवाज़ें सुनी और वो ट्रक की तरफ भागे. लेकिन इतने में ये दोनों नकाबपोश फायरिंग करके एक और अपने तीसरे साथी के साथ, जो गाड़ी लेकर उनके करीब आया था, उसके साथ फरार हो चुके थे. मिनटों में इस कत्ल की खबर गुरु नानक गुरुद्वारे के आसपास फैल गई, और सारे शहर को पता चल गया कि अहम सिख लीडर हरदीप सिंह नज्जार कत्ल कर दिए गए हैं. इनके घर वाले भी पहुंच गए. फादर्स डे पर बाप का इंतजार करने वाले दोनों बेटों को भी पता चल गया. अब दोस्तों, ये वही सिख रहनुमा थे जिन पर भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता था, और ये भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मतलूब भी थे. इन पर यह भी इल्ज़ाम है कि ये जाली कागजात पर, फेक डॉक्यूमेंट्स पर कनाडा भारत ही से फरार हुए थे. अगर आप दोस्तों इस गुरुद्वारे का इमेज देखें, इसकी तस्वीर देखें, तो आपको नज़र आएगा कि हरदीप सिंह ने इसके बाहर आज़ाद खालिस्तान का पोस्टर लगा रखा है, और नीचे खालिस्तानी लीडर्स की तस्वीरें भी लगी हैं. गो के कुछ ये बात की हैं, लेकिन जब ये इसके लीडर थे तब भी ये इस तरह के पोस्टर लगे होते थे. मतलब गुरुद्वारे के बाहर इन तस्वीर से साफ जाहिर है कि हरदीप सिंह नज्जार खालिस्तान तहरीक के पुरजोर हामी थे, एक एक्टिविस्ट थे. मतलब हिंदुस्तान में सिखों के आज़ाद वतन का क़याम, इसे खालिस्तान कहते हैं, ये इनका ख्वाब था. जबकि इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को हम जानते हैं कि दहशतगर्दी करार दिया जा चुका है, और भारत कई बार कनाडा से खालिस्तानी सिखों और उनके सरगर्मियों पर शिकायत कर चुका है कि इनके खिलाफ वो एक्शन करें, लेकिन कनाडा नहीं करता. यही वजह है कि हरदीप सिंह के कत्ल के फौरन बाद यहाँ की सिख कम्युनिटी ने भारतीय सरकार की तरफ उंगलियाँ उठाना शुरू कर दी. आखिरी रसूमात के वक्त भी लोग भारतीय हुकूमत पर कत्ल के इल्जाम लगा रहे थे, और साथ में खालिस्तान के हक में नारे भी बुलंद करते जा रहे थे.
कैनेडियन पुलिस 18 जून यानी कत्ल के फौरी बाद से पूरी कोशिश करती रही कि दोनों नकाबपोश कातिलों को और टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा जा सके, सुराग लगाया जा सके, लेकिन वो नाकाम रहे। गालबन अमरीकी बॉर्डर बहुत करीब होने के बायस कातिल उसी तरफ भाग निकले थे या फिर किसी ऐसी जगह पर रूपोश हो चुके थे जहां कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज उनका सुराग नहीं लगा पा रही थी। मतलब पहली स्टेज पर यह क्लीन मर्डर था, इसीलिए इसे 5 आईज के सुपुर्द कर दिया गया, जिसने कत्ल के अपने रिसोर्सेज से और कैनेडियन पुलिस की मदद से सुराग लगाने फिर शुरू किए और उनके मुताबिक कत्ल के ताने माने भारतीय सरकारी एजेंट से मिल गए। कनाडा और अमेरिकी हुकूमतों की ऑफिशियल मीडिया टॉक्स अगर सुने तो उसे साफ लगता है कि G20 के इजलास से पहले वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि भारतीय हुकूमत के एजेंट्स हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस हैं। सो ये मामला भारतीय वजीर आजम से डिस्कस करने की प्लानिंग भी 5 आईज में हो चुकी थी। 9 और 10 सितंबर को जब दिल्ली में G20 का इजलास हुआ तो उसके ओपन एजेंडे से हटकर एक पोशीदा पसे पर्दा एजेंडा भी चल रहा था, यही कि भारतीय सरकार के एजेंट्स ने कनाडा में जाकर कैनेडियन शहरी को कत्ल किया है और इसकी तहकीकात में इंडिया तावुन करे। मतलब जिसने भी कत्ल का हुक्म दिया है या इसकी प्लानिंग की है और कत्ल का अमल जिन लोगों ने सरंजाम दिया है उन तक पहुंचने में नरेंद्र मोदी 5 आईज की और खुसूसन कनाडा की मदद करें। अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ज़ाती तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 के दौरान मुलाकात करके इन तहफ़ुज़ात से आगाह किया और अगर कैनेडियन PM की बात माने तो वो कहते हैं कि उन्होंने कोई लगी लिपटी रखे बगैर साफ साफ उन्हें बताया कि ये हमारी सॉवरेनिटी में मुदाखलत है, हमारे आज़ादी में मुदाखलत है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा और अमेरिका जैसे इत्तेहादियों जो कि ट्रेड पार्टनर्स भी हैं उनके दबाव के बावजूद दोस्तों G20 में प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया और तावुन करने की हामी तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कनाडा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि आप हमारे दहशतगर्दों को अपने हाँ पनाह दे रहे हैं, आप ज़रा इसको देखें। अब दोस्तों यहाँ पर यानी मोदी के इनकार के बाद 5 आईज के जो 5 कंट्रीज़ हैं और खसूस कैनेडियन लीडरशिप का इम्तहान शुरू होता है। वो इस तरह के बाकी 4 ममालिक को साथ लेकर उन्होंने कैसे चलना है और बाकी 4 किस तरह एक बड़े और ताकतवर इत्तेहादी मुल्क से अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे। जब बंद कमरों की मुलाकातों में दोस्तों भारत ने तावुन से साफ इनकार किया तो अब ये मरहला आया कि जस्टिन ट्रूडो ने बात पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। उन्होंने मंडे आफ्टरनून 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार इस मामले पर खुलेआम जुबान खोली। उन्होंने कहा, मैंने अपोजिशन पार्टी लीडर से भी बात कर ली है और अब मैं पूरी कैनेडियन कौम की तरफ से इस अहम तरीन मामले पर सबसे मुखातिब हूँ। जस्टिन ट्रूडो बोले कि हम कुछ महीनों से एक बहुत क्रेडिबल एलिगेशन पर काम कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमारे शहरी के कत्ल में इंडियन स्टेट एजेंट्स का हाथ है। कैनेडा अपने शहरियों की हिफाजत और अपनी सॉवरेनिटी को बुनियादी अहमियत देता है। हम पर लाजिम है कि हम इस कत्ल का सुराग लगाएं और इसके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करें। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया कि उन्होंने इंडियन टॉप सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को मामले की हसासियत से, इसकी सेंसिटिविटी से आगाह कर दिया था और G20 इजलास में बराह रास्त बहुत वाज़े अंदाज में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी। कैनेडियन PM ने हाउस ऑफ कॉमन्स को यह भी बताया कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस सीरियस मैटर पर काम कर रहे हैं। हम इंडियन हुकूमत से पुरजोर स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में अपील करते हैं कि वो इस मामले पर हमसे तावुन करें ताकि हम कातिलों तक पहुंच सकें, उन्हें पकड़ सकें और हमारी सरजमीन पर जिसने हमला किया है उसको अंजाम तक पहुंचा सकें। उनकी ये तकरीर हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडो कैनेडियन रिलेशंस में एक बॉम्ब शेल था। इस ओपन स्पीच के बाद डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में दोस्तों तूफान आ गया। साथ ही कनाडा ने यह किया कि टॉप इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस हेड जो थे पवन कुमार राय उनको निकाल दिया, क्योंकि इन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो हरदीप सिंह नजार के कत्ल के प्लानर थे, उन्होंने ये सारी एग्जीक्यूशन में मदद की है। जवाब में इंडिया ने भी चंद ही घंटों में कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को निकाल दिया। इससे दोनों का रिलेशन दोस्तों, दोनों मुल्कों का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था वो फ्री फॉल पर आ गया। कनाडा ने भारतीय हाई कमीशन से अपना स्टाफ कम करना शुरू कर दिया, जबकि इंडिया ने 20 सितंबर को कनाडा के लिए वीज़ा सर्विसेज ही मुअत्तल कर दी। कनाडा में इंडिया आने वाली फ़्लाइट्स में सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी होती है। 2021 सेंसिस के मुताबिक कनाडा में तकरीबन 18 लाख के करीब इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जिनमें से 7 लाख तो सिर्फ सिख कम्युनिटी है। इनका आना जाना भारत में लगा रहता है। फिर टूरिज़म के लिए भी हर साल कनाडा से 70-80 हज़ार के करीब लोग भारत आते हैं।
दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, वो भी कनाडा में जाते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक जो भी रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक पिछले साल 2022 में 200,000 से ज़्यादा 226,000 इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा गए थे पढ़ने के लिए। अब जाहिर है इससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है और इंडियन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। फिर दोनों तरफ की एयरलाइंस की इकोनॉमी इसके अलावा है। तो इस वीज़ा सस्पेंशन से सिर्फ कनाडा का ही नहीं बल्कि भारत का भी बहुत नुकसान बहरहाल है। तो खैर दोस्तों, पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ कैनेडियन अपोजिशन न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह भी खड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की पूरी हमायत का ऐलान किया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उन्होंने इसके हक में तकरीर की और सोशल मीडिया पर भी लिखा कि कैनेडियन सरजमीन पर कैनेडियन शहरी का कत्ल मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। मैं अपने शहरियों को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, चाहे भारतीय वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मुझे अकाउंटेबल क्यों ना ठहराना पड़े। दोनों मुल्कों का साथियों स्टैंड ऑफ यहाँ ही नहीं रुकता बल्कि इंडिया इसके जवाब में कहीं सख्त रद्दअमल के साथ अब सामने आता है। हम दोस्तों आपके सामने इंडियन फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल बयान रखते हैं कनाडा के जवाब में। वो उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप सुनिए इसका उर्दू तर्जमा। उन्होंने कहा कि कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में हुकूमत हिंद के मुलव्विस होने के इल्ज़ाम मुज़ाहका खेज हैं और हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम खालिस्तानी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों से तवज्जो हटाने के लिए कनाडा लगा रहा है। वो दहशतगर्द जिन्हें कनाडा ने पनाह दे रखी है, ये टेररिस्ट भारतीय सलामती के लिए ख़तरा हैं, जबकि कनाडा इन्हें सियासी हमदर्दी दे रहा है, पनाह दे रहा है, जिस पर हमें तश्वीश है। कनाडा में कत्ल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और इंसानी स्मगलिंग कोई नई बात नहीं है, लिहाजा ऐसे किसी भी जुर्म को, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को इंडियन गवर्नमेंट से कनाडा जोड़ने की कोशिश हरगिज़ ना करे, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। बल्कि इंडिया कनाडा से मुतालबा करता है कि वो अपने यहाँ पना लिए हुए एंटी इंडिया एलिमेंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे, भरपूर एक्शन ले। ये इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान का उर्दू तर्जमा है। आप इस स्टेटमेंट को इंडिया और कनाडा के दरमियान आज तक का सख्त तरीन क्लैश कह सकते हैं। एक तरफ एक कत्ल है जिसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत है जो कनाडा पर दहशतगर्दों को पनाह देने और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम लगा रहा है अपने बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर पर। अब साथियों सवाल पैदा होता है कि दोनों मुल्कों का ताकतवर दोस्त, फाइव आइज का बुनियादी पिलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। एक उसका ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर कनाडा है, दूसरी तरफ चीन से मुकाबले के लिए तैयार करदा पहलवान, इंटरनेशनल पहलवान भारत है। आखिर वो इस स्टैंड ऑफ में किसका साथ देगा। यही सवाल जब वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के तर्जमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका उन असूलों के साथ खड़ा है जिसकी कनाडा बात कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो जिसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कनाडा के साथ इंडिया के मामले पर किसी भी मुख्तलिफ मौकफ पर नहीं है, हमारे और कनाडा के दरमियान कोई रिफ्ट या वेज नहीं है। फिर साथियों ये तो आप जान चुके हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट G20 में नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बात कर चुके हैं। सो अब तक की सूरत हाल से यही लगता है कि अमेरिका मोहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ज़रा नपे तुले अल्फाज बोल रहा है, लेकिन वो इस कत्ल और तहकीकात के सवाल पर अपने हमसाए कनाडा के साथ खड़ा है। माय क्यूरियस फेलोज चंद लम्हों के लिए रुक कर अब देखते हैं कि अमेरिका के लिए कनाडा कितना अहम है, कब तक उसके साथ खड़ा होगा। देखिए कि कनाडा अमेरिका ताल्लुकात के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है फ्रेंड्स, नेबर्स एंड एलाइज, दोस्त भी, हमसाए भी और इत्तेहादी भी। दोनों मुल्कों का बॉर्डर दुनिया का लॉन्गेस्ट अनप्रोटेक्टेड बॉर्डर है, तकरीबन 9000 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है दोनों मुल्कों का, जिसकी नेचर ओपन बॉर्डर की है, जस्ट गेट क्रॉसिंग हैं और कहीं वो भी नहीं है। बल्कि दोनों के बॉर्डर्स पर कायम कई बिल्डिंग्स और गलियाँ तो ऐसी हैं कि इनका एक हिस्सा अमेरिका में और दूसरा हिस्सा कनाडा में होता है। यही वजह है कि कनाडा अमेरिका का हमेशा पहला एलाई और प्रायोरिटी पार्टनर रहेगा। अमेरिका बहुत ध्यान के साथ चलेगा, यानी पब्लिक में वो कभी भी भारत पर सख्त दबाव नहीं डालेगा, सख्त बयान नहीं देगा, लेकिन साथ वो कनाडा का ही देगा, क्योंकि तारीखी तौर पर कनाडा भी अमेरिका के एक एक इंटरनेशनल गेम में उसका बिला चूचरा पार्टनर, एलाई और दोस्त रहा है, आज तक है। अमेरिका साथ है तो दोस्तों फाइव आइज के बाकी तीन ममालिक बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कोई अलग स्टैंड नहीं लेंगे, वो अमेरिका के और कनाडा के उलट नहीं जाएंगे। तो इतने अच्छे ताल्लुकात का क्या ये मतलब है कि फाइव आइज भारत को मजबूर कर सकेंगे कि वो उनके साथ तावुन करें, वो उन स्टेट एजेंट्स को, उन मुबैना कातिलों को पकड़ने में कनाडा की मदद करें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर हैं, वो कभी भी इस दबाव के सामने खुद को झुकता हुआ नहीं दिखाएंगे।
अब यही देख लें कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें तो इंडिया ने कनाडा को चार्जशीट किया है और कहा है कि वो तो कनाडा को मुसलसल सबूत फराहम कर रहे हैं जिनमें दिखा रहे हैं कि कनाडा की सरजमीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कनाडा आलमी तौर पर इल्ज़ाम लगा रहा है लेकिन भारत से ऑफिशियली हरदीप सिंह के कत्ल का कोई सबूत शेयर नहीं कर रहा जिसमें पता चले कि कैसे इंडियन स्टेट एजेंट्स मुलविस हैं। ये इंडिया का मौकफ है। इंडियन स्पोक्स पर्सन के मुताबिक तो कनाडा जो कर रहा है वो दरअसल सियासी फायदे के लिए कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ये तो जवाबुल जवाब दोस्तों हो गया कि कनाडा ने एक बात की, भारत ने उसका जवाब दिया और ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन वो दरअसल भारत इस सारे मामले में मौकफ क्या रख रहा है? तो माइक्रोस फैलो, भारत का मौकफ अगर हम इंडिया के प्रो गवर्नमेंट मीडिया को और उनके सरकारी मौकफ को देखें तो उनके मुताबिक कनाडा की जो स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया जहां ये कत्ल हुआ है, ये जगह ड्रग लॉर्ड्स और गैंग वॉर्स का एक गढ़ है। यहां गैंगस्टर्स एक दूसरे को मारते रहते हैं। उनके मुताबिक यहां के गैंग्स भारत में भी दहशतगर्दी की वारदातें करवाते हैं। सो वो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निजार का कत्ल भी ऐसी ही एक कार्रवाई है, गैंग वार का आपस का एक वाक्या है। सबूत के तौर पर वो हाल ही में एक और सेपरेटिस्ट सिख सखदेवल सिंह जो कि कनाडा ही में कत्ल हुए हैं उनको पेश करते हैं जो कि इंडियन मीडिया के मुताबिक क्लियरली गैंग वॉर का नतीजा है। और इस कत्ल का इल्ज़ाम कनाडा ने भी भारत पर अब तक नहीं लगाया। सो इंडियन राइट विंग मीडिया और सरकार के मुताबिक हरदीप सिंह निजार का कत्ल ड्रग गैंगस्टर्स की अंदरूनी लड़ाई का, गैंगस्टर्स की आपस की लड़ाई का नतीजा है। इसे भारत की स्टेट से जोड़ना हमाकत है, गलत है और सियासी फ़ायदा हासिल करने के सिवा इसका कुछ मकसद नहीं। अच्छा, तो ये सियासी फ़ायदा भला क्या हो सकता है जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो ये सब कर रहे हैं कि अपने ही इत्तेहादी मुल्क इंडिया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स और मीडिया के मुताबिक दोस्तों पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी सीट बचाने के लिए अपोजिशन पार्टी के सिख लीडर गुरमीत सिंह का साथ चाहिए। सो वो उन्हें प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके मुताबिक इंडियन पंजाब से दहशतगर्द फरार होकर जाली डॉक्यूमेंट्स पर कनाडा में पनाह ले लेते हैं। सो कनाडा को चाहिए कि वो इल्ज़ाम लगाने के बजाय इन लोगों को पकड़े, इन मुजरमों को पकड़े, इंडिया की दरख्वास्त पर तवज्जो दे ताकि कनाडा भी महफूज रहे और इंडिया भी। लेकिन मसला यह है कि इस भारतीय नसीहत को कनाडा फिलहाल सुनने को तैयार नहीं। वो मुसलसल भारत का नाम लेकर इल्ज़ाम लगा रहा है और जस्टिन ट्रूडो से जब पूछा जाता है कि क्या आपके पास सबूत हैं तो वो दिखाते तो नहीं लेकिन कहते हैं कि हाँ हमारे पास सबूत हैं। अब इस बात को दोस्तों समझें कि पहली स्टेज पर ही कोई मुल्क अपनी खुफिया एजेंसीज की वर्किंग बतौर सबूत किसी को नहीं दिखाता सिवाय अपने उन इत्तेहादियों के या उन एजेंसीज के जिनसे उसको मदद दरकार हो। सो जस्टिन ट्रूडो के पास इंडिया के खिलाफ सबूत हैं या नहीं ये हम नहीं कह सकते लेकिन इनका फौरी तौर पर सबूत सामने ना लाना ये हरगिज़ साबित नहीं करता कि कनाडा के पास सबूत नहीं है। भारत जो कि कनाडा का फ्री ट्रेड पार्टनर बनने वाला है, दोनों मुल्कों के दरमियान 10 अरब डॉलर्स 10 बिलियन डॉलर्स से ऊपर की ट्रेड होती है तो ये सब कुछ कनाडा बगैर सबूत के तो दाव पर नहीं लगाएगा। मगर क्या करें कि दाव पर तो लग चुका है। अब अगले चंद मिनट में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक ये कि भारत इन इल्ज़ाम के बाद फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में, और ये कि सारे डिप्लोमेटिक क्राइसिस का फौरी इफेक्ट क्या होगा, इसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तो इस सारे क्राइसिस का हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि वो कभी भी कनाडा के साथ इस मामले पर तआवुन नहीं करेंगे, कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे, जिसका नतीजा अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि वो फातहाना खड़े होकर जलसों में कहेंगे कि मैंने अपने 10 साल इक्तदार में 10 ईयर्स में भारत को इतनी तरक्की दे दी है, इतना ताकतवर बना दिया है कि वो आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो चुका है। जबकि उनके साथी बीजेपी के स्ट्रीट लीडर्स जो हैं सेकेंड सफ के, दूसरी सफ के जो लीडर्स हैं वो जो उनका पसंदीदा फिक्रा है वो बार बार दोहराएंगे जलसों में भी, सोशल मीडिया पर भी कि देखें मोदी कितना बड़ा हीरो है कि कनाडा के घर में घुसकर उसने मारा है, ये है इंडियन पावर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कनाडा या अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा किस हद तक जाएंगे, भारत पर कुछ पाबंदियाँ लगा देंगे जिसका भारतीय इकोनॉमी को नुकसान तो होगा लेकिन नरेंद्र मोदी फिर फायदे में रहेंगे। वो फातहाना अगले इलेक्शन में कह रहे होंगे कि देखो मैं ही भारतीय इंटरेस्ट को गार्ड कर सकता हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा दबाव भी लेने की सलाहियत रखता है। लेकिन देखने वाली बात है कि इसका भारतीय इकोनॉमी को नुकसान क्या होगा, ये भी समझना वैसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं कि भारत चीन के खिलाफ वेस्टर्न एलाइज का सबसे बड़ा इत्तेहादी है।
इस खित्ते में कोई और मुल्क ऐसा है ही नहीं जो चीन को काउंटर करने के लिए भारत को रिप्लेस कर सके वेस्ट के लिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्टर्न एलाइज इस इशू पर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, इतना आगे वो नहीं जाएंगे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कोई स्ट्रेटजिक शिफ्ट आ जाए। आप सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जमाल खशोगजी वाला मामला तो देख चुके हैं, बहुत बुलंद बांग नारे आए, दावे किए गए, धमकियां दी गई, इसके बावजूद अमेरिका भी वहीं है और सऊदी अरब भी उसी तरह दुनिया में खड़ा है। ट्रेड पार्टनर भी जिनका था उनका है, एलाइज जिनका था उनका है। दुनिया भी सऊदी अरब की रीजनल और इकोनॉमिक पावर को आज भी अपने हक में जितना इस्तेमाल कर सकती है कर रही है। तो यही कुछ भारत और कनाडा स्टैंड ऑफ में भी होता हुआ नजर आ रहा है, यही इसका फ्यूचर हमारे ख्याल में तो है। अब आखिर में साथियों देखते हैं कि इस क्राइसिस का फौरी असर क्या होगा। पहला इसका असर, पहला इफेक्ट तो ये होगा कि खालिस्तान मूवमेंट के एक्टिव मेंबर्स हर जगह पर खासतौर पर कनाडा में गैर महफूज महसूस करेंगे, या सिख कम्युनिटी का हर वो शख्स जो इस मूवमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है वो भी कनाडा तक में खुद को अदम तहफ़ का शिकार पाएगा, क्योंकि कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निजार कनाडा में बैठकर खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवा रहे थे, वो इंडिया को तकसीम करने और एक आज़ाद सिख देश बनाने की तकरीरें करते थे। भारत इन्हें रोकने के लिए कनाडा से मुतालबात करता रहता था लेकिन कनाडा इस पर खामोश था। आप जानते हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में लिबरल वैल्यूज़ में अलहदगी के पुरमन मुतालबे को दहशतगर्दी नहीं समझा जाता। अभी आपने 2014 में स्कॉटलैंड का रेफरेंडम ज़रूर देखा होगा जिसमें बरतानिया से अलहदगी के लिए वोटिंग करवाई गई थी। सो मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में और कनाडा में भी किसी भी अलहदगी की पुरमन सियासी तहरीक को, पोलिटिकल एक्टिविटी को दहशतगर्दी नहीं माना जाता। लेकिन अगर इस सियासी अमल के लीडर्स को कत्ल करना शुरू किया जाए तो ये उनके मुताबिक आज़ादी इजहार पर हमला होगा, उनकी वैल्यूज़ और सॉवरेनिटी पर अटैक होगा, और यही जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं। मतलब भारत भी किसी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक शिफ्ट का शिकार नहीं होगा और कनाडा में खालिस्तानी सिखों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा इफेक्ट इस वाक्य और डिप्लोमेटिक क्राइसिस का ये होगा कि इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया भर में है और ख़ासतौर पर कनाडा और अमेरिका में, वहाँ और अंदरूनी तौर पर भारत में भी सेक्टेरियन डिवीज़न और गहरी होगी। एक मेजोरिटेरियनिज्म जो आ गया है वहाँ वो और ताकतवर होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जायज़ या नाजायज़ एक्शन तो वहाँ हो रहे हैं, जबकि राइट विंग मेजोरिटी जो है वो अपनी ताकत को खुलेआम दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करती जा रही है, जिससे सेकुलर और समाजी तौर पर इंडिया के जो रोशन मुस्तकबिल है उसको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। वहाँ के लिबरल्स भी इस मामले पर बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान ज़ियाउल हक के दौर में और इसके बाद भी मजहबी राइट विंग कार्ड इतनी बार खेल चुका है कि पाकिस्तान की सोसाइटी और इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, डिवीजन बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो हम अपने तजर्बे से नहीं सीख रहे थे, लेकिन हमारा ख्याल था हमारे हमसाये सीखेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने हमारे तजर्बे से शायद उल्टा सीख लिया है। तीसरा इफेक्ट इसका ये हो रहा है कि कनाडा एक गैर महफूज मुल्क के तौर पर दुनिया में डिस्कस हो रहा है, वो मुल्क जहां हर साल मिलियंस ऑफ पीपल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी पिछले साल 400,000 से ज़्यादा लोगों को कनाडा ने मुस्तकिल रहायश दी है, परमानेंट रेजिडेंस दी है। जब इतने ज़्यादा लोग इसीलिए दुनिया भर से कनाडा में आते हैं कि वो इसे एक महफूज मुल्क समझते हैं जहां कानून की हुकूमत है। लेकिन अब जबकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कत्ल का मामला अपनी सरजमीन पर आलमी सतह पर उठा दिया है, तो इसके हल तक तो ये तासुर बरकरार रहेगा कि कनाडा में कोई भी ताकतवर मुल्क, कोई भी ताकतवर गैंग कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ को चकमा देने की सलाहियत रखता है और यहाँ आकर कैनेडियन शहरी को कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल करके आराम से जा सकता है। तो ये तासुर भी वो तीसरा अहम तरीन इफेक्ट है जो सारे क्राइसिस में दुनिया में फैल रहा है। ये इमेज किसी तरह भी कनाडा के लिए काबिल गुलजार है नहीं है, जो कि है ही इमिग्रेंट्स का मुल्क, वो तरक्की याफ्ता है ही इसलिए कि उसे सेफ हेवन समझते हुए दुनिया का बेहतरीन ब्रेन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आखिर में दोस्तों ये बात कि क्या कनाडा कभी साबित कर पाएगा कि भारतीय सरकार का उसके शहरी के कत्ल में हाथ है, ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम्स में किसी मुल्क की मुदाखलत साबित करना और फिर वो भी रियासती स्टेट की सतह की मुदाखलत साबित करना बहुत मुश्किल है। हाँ एक बात है कि अगर फाइव आइज इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि भारतीय हाथ, सरकारी हाथ इस कत्ल में मुलविस है और भारत क्लोज डोर मीटिंग्स में ये साबित नहीं कर पाता कि उसके हाथ तो साफ हैं, तो नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म रहने तक वेस्टर्न पावर से इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि अगर भारत अमेरिका और कनाडा को दोस्त और इत्तेहादी कहता है तो एलाइज के शहरियों को कत्ल नहीं किया करते,
अच्छा, इसके उलट अगर हम ये सवाल करें कि क्या भारत कनाडा को मजबूर कर पाएगा कि उसके यहाँ जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद सिख हैं, उन्हें गिरफ्तार करे या उनकी सरगर्मियों को रोके, तो जनाब कनाडा भी कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मगरबी ममालिक जिस आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं, वहाँ तो उनके मुल्क में भी कोई बगैर हथियार उठाए पुरमन तौर पर तकसीम की बात कर सकता है, अलहदगी की बात कर सकता है, जैसा कि स्कॉटलैंड की मिसाल अभी हमने आपके सामने रखी। तो ऐसे में सिर्फ खालिस्तान के लिए तहरीक चलाने वालों को भारत के हवाले करने या उन्हें ताकत से रोकने की बात कनाडा या अमेरिका कभी भी भारत की नहीं मानेंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई ऐसा पैक्ट इन ममालिक में हो जाए जिसमें वो गैंगस्टर्स, वो गैंग्स जो भारत के बकौल कनाडा और अमेरिका में बैठ कर हिंदुस्तानी पंजाब में ड्रग्स का धंधा करते हैं, यहाँ पर क्राइम्स करते हैं, उन्हें किसी तौर रोका जा सकता है। ये हो सकता है, वो भी उस सूरत में जब भारत हरदीप सिंह के कत्ल पर कोई ना कोई किसी न किसी सतह पर तावुन करने पर तैयार हो जाए। साथियों, पाकिस्तान और भारत के क्याम से अब तक दोनों मुल्कों की सियासत में वो बुनियादी फ़र्क क्या है जिसने दोनों की राहें जुदा कर दीं और दोनों का 70 साल बाद मुस्तकबिल भी काफ़ी मुख्तलिफ दिखाया, ये कहानी दोस्तों आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कि रॉथ चाइल्ड की हकीकत क्या है, और ये रही मुस्लिम दुनिया की आपसी जंग की शानदार कहानी।